इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशियल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लिमिटेशन ऑफ ईमेल। आज के इस लेक्चर में हम ईमेल के डिसएडवांटेजेस और इसके लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिफरेंट डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा और इसकी लिमिटेशंस के बारे में बताऊंगा कि ईमेल की कौन कौन सी लिमिटेशन है। डियर स्टूडेंट्स, ईमेल किसे कहते हैं? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल। यानी ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। वो यूज्ड ईमेल फॉर सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसकी मदद से, जिसके थ्रू हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, लाइक कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई मीटिंग एजेंडा, कहीं भी किसी भी टाइम एनी लोकेशन पे पूरी दुनिया में विद इन अ सेकेंड भेज सकते हैं। इसे हम ईमेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे पुराने वक्तों में खत भेजा जाता था इन्विटेशंस के लिए, बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह, और वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, इसी तरह ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। इसी तरह ईमेल भेजी जाती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को, सेंडर रिसीवर को भेजता है, लेकिन ईमेल जो जाती है वो विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड ट्रांसफ़र होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, ख्वाब दुनिया का कोई भी कॉर्नर पर हो। डियर स्टूडेंट्स, ईमेल के लिए हमें सिंपल इंटरनेट की ज़रूरत होती है और एक ईमेल अकाउंट की, जिसके थ्रू हम ईमेल भेजते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको मैं डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा कि ईमेल के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं या इसकी कौन कौन सी लिमिटेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेशन का, लैक ऑफ प्राइवेसी। लैक ऑफ प्राइवेसी मीन इसमें प्राइवेसी की कमी है, इसमें प्राइवेसी के इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? डियर स्टूडेंट्स, देखें, आप ईमेल भेज रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में, तो वो जो आपकी ईमेल होती है वो डिफरेंट लोकेशन से गुजर के जाती है, वो डिफरेंट वेब सर्वर्स, डिफरेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के नेटवर्क से गुजर के जाती है। तो पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट पर्सन उनको देख सके। इसके अलावा अगर हैकर है वो इसको हैक कर ले, तो हैकर आपका इम्पोर्टेंट डाटा को देख सकता है, इसलिए इसमें प्राइवेसी नहीं है। एक तो हैकिंग के चांसेस होते हैं, दूसरा डिफरेंट यूज़र्स, डिफरेंट पर्सन्स जो इसका पार्ट होते हैं इस नेटवर्क का, वो ईमेल को देख सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है लैक ऑफ प्राइवेसी, कि इसमें प्राइवेसी नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड लिमिटेशन है और या डिसएडवांटेज है इसका, जंक ईमेल। डियर स्टूडेंट, जब हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो एक फोल्डर होता है जिसे स्पैम ईमेल भी कहते हैं या जंक ईमेल। जंक ईमेल का मतलब ये होता है अनवांटेड ईमेल। जंक ईमेल का मतलब क्या है? अनवांटेड ईमेल और स्पैम ईमेल। डियर स्टूडेंट्स, ये वो ईमेल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली कोई सेंडर हमें भेजता रहता है, इसे जंक ईमेल कहते हैं। इसका हमारे पर्सनल बिजनेस से या हमारे पर्सनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये अनवांटेड होती हैं। मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको डिफरेंट कंपनीज मैसेज भेजती रहती हैं, टेलनोर के, जैस की कंपनीज, लाइक अपने पैकेज के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी नहीं होते, तो इस तरह ही ईमेल्स आती हैं डिफरेंट्स, जिन्हें हम जंक या स्पैम ईमेल कहते हैं, और ये अनवांटेड ईमेल होती हैं। डिफरेंट सेंडर्स इसको भेजते रहते हैं, इसे जंक ईमेल कहा जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपके जो अकाउंट की स्पेस होती है ये भी इससे फिल हो सकती है।
जो स्टूडेंट्स जो थर्ड लिमिटेशन है वो नो इमोशंस, वेरी इंटरेस्टिंग। नो इमोशंस का मतलब ये होता है कि आप ईमेल्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात, अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकते अपनी फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ या जिसे भी आप ईमेल भेज रहे हैं। आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, फेसबुक, व्हाट्सअप, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप उन पर अपने जज्बात का, अपनी फीलिंग्स का, अपने एहसासात का डिफरेंट इमोशंस के साथ, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ इजहार करते हैं। कोई भी कमेंट्स पास करना हो तो आप कुछ ऐसी एनिमेशन यूज़ करते हैं जिससे आपकी फीलिंग्स का इजहार हो रहा है, लेकिन ईमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ईमेल में आप अपने इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, में नो इमोशन, ये इसकी लिमिटेशन में आ रहा है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पॉसिबल डिले। पॉसिबल डिले वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। डियर स्टूडेंट्स, देखें, आपको कोई फ़ोन कॉल आ रही है तो फौरन आपके मोबाइल की बेल बजती है और आप फ़ोन अटेंड कर लेते हैं, ये मैसेज आता है तो उसकी भी रिंग बेल है जो आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ईमेल का कोई नोटिफिकेशन नहीं होता जब तक यूज़र इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो। यानी ईमेल जब हम, सेंडर ने तो ईमेल भेज दी है रिसीवर को, लेकिन रिसीवर ईमेल को तब ही देख सकेगा जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। जब तक रिसीवर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता, उसे ईमेल नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई अर्जेंट ईमेल हो जो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसका रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन इसमें पॉसिबल डिले हो सकता है। जब तक रिसीवर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, अपना ईमेल अकाउंट चेक नहीं करेगा, तब तक वो ईमेल को नहीं देखेगा और ना ही ईमेल उसको रिसीव होगी। तो इसलिए इसको पॉसिबल डिले, इसकी लिमिटेशन में लिया है मैंने, कि ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन कोई नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से भी ईमेल की सेंडिंग से रिसीविंग एंड तक पहुंचने में डिले हो सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से ईमेल हो सकता है कि सेंडर रिसीवर तक ना पहुंच सके, जिसे हम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्प्रेडिंग ऑफ वायरस। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि वायरस कैसे फैलता है और वायरस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, वायरस इज़ अ प्रोग्राम डैट डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वायरस। तो वायरस फैलता कैसे है, इसकी हमने रीजन चैप्टर नंबर 6 में भी मैंने आपको बताई थी कि वायरस ईमेल के थ्रू भी बहुत ज़्यादा फैलता है। डियर स्टूडेंट, देखें, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है और आप अपने किसी फ्रेंड्स को कोई ईमेल भेज रहे हैं और आप कोई ऐसी फाइल भेज देते हैं जो जिसमें ऑलरेडी वायरस है, या वायरस उस फाइल के साथ अटैच होकर दूसरे कंप्यूटर से रिसीवर के कंप्यूटर तक भी पहुंच जाता है, जिसे हम इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। यानी अगर ईमेल के थ्रू कोई इन्फेक्टेड फाइल सेंडर से रिसीवर की तरफ चली जाती है तो वायरस भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह ईमेल के थ्रू बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है, जिसे हम इसकी लिमिटेशन या इसका डिसएडवांटेज कहते हैं ईमेल का, कि ये वायरस के फैलने का सबब है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखा करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।